जी सारे कि ठीक पंजाबी चले गया हिंदी हिंदी फिर उन्दी। फिर उन्दी हिंदी कहने पंजाबी थोड़ा फर्क हो जाता टापा जाता है ना लाघा जाता है <laughs> तो दोस्तों अपने बारे दसन तो पहला मैं अपने बारे बताने से पहले उस परमात्मा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिसने पूरी दुनिया बनाई फिर मैं अपने मां बाप का मम्मी डैडी जो इस दुनिया में नहीं है उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ फिर सबसे ग्रेट पर्सनैलिटी जो वो भी इस टाइम हमारे अंदर नहीं है मिस्टर रक्स मोहन सर दोस्तों उनके बाद हमारी एफ एल पी मैनेजमेंट इंडिया की फिर हमारा आर डी ओ मोहाली इतने हम्बल इतने ग्रेट पर्सन है वहां पे उसके बाद हमारे ग्रेट मैंटोर मनदीप सर थैंक यू सर थैंक यू तो दोस्तों ज्यादा समय ना लेता हुआ समय मेरे पास बहुत काम है नाम सुरेंद्र सिंह है जैसे सर ने नंदा सर और बैठे सर दूसरे चंडीगढ़ से तो मैं भी खूबसूरत सिटी चंडीगढ़ के छोटे से गांव मक्खन बाजरा का रहने वाला हूँ तो दोस्तों इस बिजनेस में छह साल हो चुके हैं मुझे यहाँ पे आने से पहले मैंने चौदह साल खेती की है साथ साथ मैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हूँ मेरे पास वाटर टैंकर का बिजनेस साथ साथ रेंटल इनकम भी थी मेरी यहां पे आने से पहले ढाई से तीन लाख रुपया पर मंथ अर्निंग में पहले ही कर रहा था तो दोस्तों थैंक थैंक यू यू मेरी बातों का बुरा मत मानना मैं बैकग्राउंड बता रहा हूं अपनी मेरे घर में एक अल्टो गाड़ी फॉर्चून गाड़ी करोड़ रुपए की कोठी बीस किले का फार्म हाउस चार ट्रैक्टर दस टैंकर तीन ड्राइवर मेरे पास थे तो जब इस बिजनेस बताया गया मुझे मैं सीरियस नहीं था तो आज के टाइम में मुझे नहीं लगता कि कोई घर ऐसा बचा हुआ है जहां पे कोई हेल्थ चैलेंज नहीं है तो मेरे घर में भी था तो पहले सबसे मेरे घर में प्रोडक्ट आए प्रोडक्ट आने के बाद जब रिजल्ट आया तो हम लोग गलती करते हैं किसी भी बिजनेस को किसी भी अपॉर्चुनिटी को समझे बिना छोड़ देते हैं तो जिंदगी के अंदर यह गलती मैंने कभी नहीं की जिस चीज को पकड़ा पहले अच्छे से समझा उसको तो समझा इसको शुरू किया सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है दोस्तों घर वाले नहीं मानते तो मेरे भाई साहब ने बोला इतना बड़ा कारोबार तू पागल हो गया मैं कहा इतिहास पागली रखते हैं उसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती होती है है समय की टाइम नहीं होता हमारे पास किसी के पास तो मेरी दिनचर्या थी जो वो सुबह छह से लेके रात को दस बजे तक मैं बिजी रहता था अपने बिजनेस के अंदर तो आप लोग भी अंदाजा लगा सकते हो कि जो ढाई तीन लाख रुपए कमाने वाला पर्सन है उसके पास समय बहुत कम होगा तो मेरे लिए इस बिजनेस को ना करना नो करना बहुत आसान था लेकिन कहते हैं हम जिद पे जीते हैं हाँ जी मैं वो पर्सन हूँ जो जिद पे जीता हूँ तो मैंने क्या किया दोस्तों ब्रदर ने स्पेशल बोल दिया कि करता जो बिजनेस है वो खराब नहीं होना चाहिए तेरा बिजनेस चले ना चले तो मैंने दोस्तों जो मेरा वाटर टैंक का बिजनेस था वो मेरे पास था मैंने सुबह ढाई बजे उठना शुरू कर दिया आप लोग उठते कोई ढाई बजे दोस्तों ढाई बजे शुरू कर दिया एक ड्राइवर को बोला कि तेरे को दो सौ रुपए काम किया करेंगे कौन फैक्ट्री वाला डलवाएगा दोस्तों दिमाग लगाना पड़ता है फैक्ट्री वालों को बोला कि दिन में ट्रैफिक ज्यादा होती है आपका काम पूरा नहीं होता हम आपके लिए रात को उठा करेंगे तो दोस्तों इस तरह मैं समय निकालना शुरू किया सुबह छह बजे तक टैंकर चलाता था फिर बच्चे स्कूल में छोड़ के आने खुद मेरे तीन बच्चे हैं घर से बारह किलोमीटर बच्चों का स्कूल है फिर घर पे आके जो दो ड्राइवर आते हैं उनका काम देखना उसके बाद मैंने जब से फॉर आवर शुरू किया है ऑडियो में ग्यारह बजने से दो मिनट दस मिनट पांच मिनट पहले खड़ा होता था मैं उसके बाद दोस्तों एक बजे बच्चे स्कूल से लेने घर पे छोड़ने फिर कहते हैं ज्यादा काम सिखा हुआ भी हानिकारक होता है मेरे घर में एक भैंस थी दो गाय मुझे दूध निकालना आता है अब घर वालों ने क्या कहा दूध भी तो नहीं निकालना इनका वो भी निकाला अब पता है थोड़ी बदबू आएगी फिर परफ्यूम लगा के रखा अच्छा सा फिर दोबारा आडियो जाना फिर तो रात को नौ नौ साढ़े साढ़े नौ दस दस बजे मैं घर पे जाता था और ओनली तीन घंटे चार घंटे में सोया करता था पर दोस्तों मुझे एक चीज पता थी कि सुरेंद्र जो तूने पहले मेहनत की है पंद्रह साल वो बहुत ज्यादा थी दोस्तों आज मैं कहना आप लोगों के सामने कि मैंने आपने वो देखा डिग्गियां होती हैं गटर वाली मेरे पास वाटर पंप थे मैं उनको खुद भी चलाता था वो काम भी मैंने किया हुआ है दोस्तों सक्सेस ये अपना जो कहते हैं ना कीमत वो अदा करनी पड़ती है हम लोग कीमत अदा नहीं करते तो दोस्तों बिजनेस के अंदर आया और सबसे जो जरूरी चीज है दोस्तों वो है कि हम करना शुरू कर देते हैं काम को बिना सीखे यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और हमेशा मैंने सबसे पहले नॉलेज लेना शुरू किया सीखा एक साल में मैनेजर बना अगले साल सीनियर मैनेजर फिर मैनेजर रिट्रीट हुई फिर काल लेवल वन अगली जो अचीवमेंट है शायद थोड़ी देर में पता लगेगी आप लोगों को दोस्तों दशा और दिशा अगर आप इस शब्द को समझ जाएंगे तो जिंदगी में कभी पीछे नहीं मुड़ पाओगे दशा और दिशा मैं सुबह ढाई बजे चंडीगढ़ से निकला था कहा के लिए दिल्ली के लिए सोचिए मैं अपनी गाड़ी का जो फेस था वो शिमला की तरफ कर देता तो कभी दिल्ली आ पाता मैं आ। नहीं आ पाता। दोस्तों हम अपनी कभी भी दशा चेक नहीं करते कि जो हम काम कर रहे हैं क्या हमें वो अपनी मंजिल पे ले जा सकती है तो मैं अपने घर की बात करता हूँ दोस्तों मेरे दादाजी 105 साल हो के गुजरे जिंदगी के अंदर 60 साल मेहनत की उन्होंने फादर साहब 50 साल में एक्सपायर हो गए 20 से लेके साल उन्होंने काम किया कितना हो गई टोटल साठ नब्बे पंद्रह साल मेरी खेती बाड़ी लगा लो एक सौ पांच साल में मेरे घर में अल्टो नहीं आई थी सोचिए मेहनत में कमी थी नहीं किस में दिशा मेरी दिशा ठीक नहीं थी दशा ऑटोमेटिकली खराब थी फॉर एवर में आया दिशा पकड़ी दशा तो दोस्तों आज आपके सामने दिशा पकड़ चुके हो दशा आपके सामने खड़ी है तो मेरी तरफ से इतने दोस्तों थैंक यू सो मच आपने मुझे इतना कीमती समय दिया थैंक यू सो मच